मैरिट में दूसरे दिन भी छात्रों का आंदोलन जारी रहा। गुरुवार को प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हालत गंभीर होते देखकर परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। छात्रों ने बारिश के दौरान भीगते हुए प्रदर्शन किया। ये छात्र 75% अटेंडेंस की शर्त खत्म करने की मांग कर रहे हैं। मैरिट के छात्र प्रबंधन के खिलाफ एक बार फिर लामबंद हो गए हैं। छात्रों ने बुधवार को कॉलेज परिसर में धरना देकर अपनी आवाज़ बुलंद की तो गुरुवार को बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन करते रहे। इनका कहना है कि अटेंडेंस प्लेसमेंट और अन्य मांगों को लेकर वे लगातार प्रबंधन के सामने अपनी बात रख रहे हैं, बावजूद इसकी सुनवाई नहीं हो रही। इधर एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने कहा कि मैरिट प्रबंधन पुलिस के संपर्क में है और वही यदि छात्रों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। भोपाल से संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया, तारा डाल दिया, क्या है पूरा मामला? ये जो मैनिट प्रशासन है वहाँ से पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ छात्र जो हैं मैनिट के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस द्वारा मौके पर जाकर वहाँ पे जो है बल को तैनात किया गया और जानकारी प्राप्त हुई है कि वहाँ पे जो अटेंडेंस रहती है इंस्टीट्यूट की उसमें एक निर्धारित सीमा है, जिस सीमा से कम होने पर छात्रों को वहाँ पर जो एग्ज़ाम होता है उससे वंचित रखा जाता है। तो वो जो नियम के अनुसार जो निर्णय लिया होगा प्रशासन ने उसको लेकर जो है छात्रों का विरोध था और इस पे पुलिस ने वहाँ पे बल तैनात करके अभी शांति व्यवस्था बनाई रखी है। प्रशासन जो है मैनिट का वो पुलिस के संपर्क में है और जो छात्र संगठन है उनसे भी पुलिस बातचीत कर रही है। वर्तमान में पुलिस व्यवस्था वहाँ तैनात था। हाँ, जैसी भी परिस्थिति मौके पर बनी होगी, अगर कोई इस प्रकार के घटनाक्रम हुआ है जिसमें कोई रोड बाधित हुआ है या कोई अपराध घटित हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी।